हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा, यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फॉरेन सोर्सेस है, विदेशी देशों से जो सोर्स लिए गए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और मैप के थ्रू इसको समझेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम याद हो जाए। टोटल हम 10 कंट्री के बारे में हमको पढ़ना है। 10 कंट्री ऐसी है जहाँ से इंडिया ने कुछ ना कुछ लिया है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया है और फिर एक मजबूत संविधान का निर्माण किया गया था। तो देखिए, इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है। जब भी पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको देश के अकॉर्डिंग याद रखना है। जैसे जापान की बात करूँगा, यहाँ से क्या लिया गया, या ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है, यहाँ पे रसिया से क्या लिया हुआ है, या यूरोपियन कंट्री में कौन से क्या लिया हुआ है, इधर अमेरिका से क्या है, आपको एक एक चीज़ याद रखना है, या साउथ अफ्रीका से लिया, जो भी कंट्री है उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें याद रखना है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। पहला देश है कनाडा। आपको याद रखना है, ये मैप में देख रहे हो, ये पूरा कनाडा है। कनाडा से क्या लिया गया, तो आपको पहली चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, संघीय व्यवस्था या संघीय फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया, संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम, तो आपको याद रखना है संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ या रेसिड्यूरी पावर्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये भी कहाँ से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ, तो आपको याद रखना है ये भी कनाडा से लिया गया। पहला याद रखना है फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था, सेकंड है अवशिष्ट शक्ति कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं हमारे भारत में, वो कहाँ से लिया गया, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। पहली बात संघीय व्यवस्था, सेकंड है राज्य अवशिष्ट शक्ति रेसिड्यूरी पावर्स, और तीसरा है राज्यों में राज्यपाल, मतलब जो स्टेट में गवर्नर बनाए जाते हैं, वो वाली व्यवस्था कहाँ से ली गई, कनाडा से। रेसिड्यूरी पावर कहाँ से ली गई, कनाडा से, और तीसरा फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। ये तीनों चीज़ें आपको कनाडा का याद रखना है। दूसरा देश है इसके बाद यूएसए या अमेरिका, ये आप देख रहे हो मैप में, ये अमेरिका है पूरा, और इधर भी ये अमेरिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन अमेरिका से पूछता है कि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो देखिए, फर्स्ट चीज़ आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है, उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में, कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है अमेरिका से लिया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया, ये भी अमेरिका से लिया गया। तीसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर, प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। इसमें जनरली कंफ्यूज होते बच्चे कि प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया, तो प्रेसिडेंट का पद अमेरिका से नहीं लिया, उसको हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली हुई है। अगर प्रेसिडेंट के पद की बात करेंगे तो यहाँ ब्रिटेन है, वहाँ से लिया गया है, जहाँ से संसदीय व्यवस्था ली गई है। चौथा आपको याद रखना है, प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, अगर इसके बारे में पूछता है तो ये भी कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पाँचवीं चीज़ आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिए गए। देखो, पहला चीज़ वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, चौथा है प्रस्तावना, और पांचवा है मौलिक अधिकार। प्रस्तावना की भाषा की बात नहीं कर रहा, प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा है प्रस्तावना की, तो आपको याद रखना प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। एक मैंने कनाडा बताया, कनाडा में तीन चीज़ आपको याद रखना है, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, और तीसरा राज्यों में राज्यपाल का पद। अमेरिका की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर होती है, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। इसके अलावा छठवीं चीज़ आपको याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कोई भी जजमेंट अगर कोई कोर्ट देता है या सुप्रीम कोर्ट देता है, तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि फिर से उसकी जांच कर सकता है, और इस प्रक्रिया को कहाँ से अपनाया गया, तो आपको याद रखना है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका की सर्वोच्चता, मतलब न्यायालय जो सबसे ऊपर है, ये वाली चीज़ कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है ये भी अमेरिका से ली गई है। टोटल सात चीज़ आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, महाभियोग की प्रक्रिया प्रेसिडेंट पर, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, साथ में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे इसको, और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता या न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, तो आपको याद रखना है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके बाद चलते अगले देश पर। अगला है साउथ अफ्रीका। अगला आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, ये आप मैप में देख रहे हो, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ये है साउथ अफ्रीका। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ ले गई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है, देखिए, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करना है, मतलब
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका से ली गई। और दूसरा, राज्यसभा में नामांकन की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो साउथ अफ्रीका से। और पहला, संविधान में संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है आर्टिकल 368 में, इसके बारे में लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और राज्यसभा में जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उसको भी कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद अगला चलते हैं, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ये मैप में आप देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से पहली चीज़ आपको याद रखना है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। हमारे संविधान के सातवीं अनुसूची में तीन सूची की बात है, एक तो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, दूसरा यूनियन लिस्ट या संघ सूची, और तीसरा समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दूसरा, संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक, इसको भी कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है संयुक्त बैठक की जो चीज़ है वो भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तीसरा, आपको याद रखना है इसी में केंद्र राज्य संबंध भी कहाँ से लिए गए, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे अमेरिका से प्रस्तावना ली गई थी, प्रस्तावना की भाषा की जब बात करेंगे आपसे, प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। प्रस्तावना में जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये चार देश हो गए टोटल। पहला कनाडा में तीन चीज़ आपको याद रखना है, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति और राज्यों में राज्यपाल का पद। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए या अमेरिका में आपको टोटल सात चीज़ याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट पर महाभियोग, वाइस प्रेसिडेंट, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके अलावा मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, और साथ में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई है, यूएसए से। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो राज्यसभा में नामांकन, और दूसरा इंपॉर्टेंट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, साथ में केंद्र राज्य संबंध और प्रस्तावना की भाषा, टोटल आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। चलते अगले देश पे। अगला आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए, ये है जापान। जापान से क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना है विधि के समान समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है जापान से। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के आगे सभी बराबर है, विधि के समक्ष सभी बराबर है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो आपको याद रखना है जापान से। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है ये जापान से ली गई है। टोटल पाँच देश हो गए, अच्छे से नाम याद होना चाहिए। पहले कनाडा, यूएसए मतलब अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और साथ में हो गया ये जापान। चलते हैं नेक्स्ट है रसिया। देखिए रसिया बचा हुआ है इधर चार देश यूरोप के, तो पहले हम देखेंगे रसिया और उसके बाद इन चारों को। तो देखिए रसिया से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपको याद रखना मौलिक कर्तव्य, जो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, वो कहाँ से लिया गया, तो रसिया से। अच्छे सुनना है, 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 1976 में। आपको ईयर भी याद रखना, 1976 में 42 नंबर का संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और एक कहाँ से लिया गया ये मौलिक कर्तव्य वाली चीज़, तो आपको याद रखना है रसिया से। पहली चीज़ तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको बोलते हैं, अभी फिलहाल में 11 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए थे। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है ये भी रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। दो चीज़, पहला तो मौलिक कर्तव्य मैंने बता दिया आपको, 1976 में जोड़ा गया था 42 नंबर का अमेंडमेंट के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये कहाँ से लिया गया, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको एडॉप्ट किया गया, तो आपको याद रखना है रसिया से ये एडॉप्ट किया गया। और दूसरा, न्याय जो शब्द है प्रस्तावना में, ये भी कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है रसिया से लिया गया है। चलते अगले पे, अगला है ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बनते हैं। ब्रिटेन देखिए मैप में, ये आप देख रहे हो ब्रिटेन, ये यूके, ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको याद रखना है संसदीय प्रणाली, भारत में जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन से। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। संसद मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला के संसद बोलते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है ये ब्रिटेन से लिया गया। अगर राष्ट्रपति का पद बोलेगा तो भी आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ से लिया गया, सेम ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा, मंत्रिमंडल की व्यवस्था,
मंत्रिमंडल ये भी कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और तीसरा सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता ये भी कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना ये भी कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला संसदीय प्रणाली, दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकंड मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट वाला जो चीज़ है, पर एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, ये तीनों चीज़ कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से। अब संसद में सब आ जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों। अगर आपसे पूछेंगे प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यूके या ब्रिटेन से लिया गया। और प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से, तो अमेरिका से। प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूके से। ठीक है, चलते अगले पे हम। अगला देखिए, यहीं पर एक आयरलैंड, ये देश है छोटा सा एक आयरलैंड। आयरलैंड से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व या DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में लिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनके बारे में लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना है ये आयरलैंड से लिए गए। और दूसरी चीज़ याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में, मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, उसमें कौन कौन से लोग वोट देंगे, उनका निर्वाचन मंडल क्या होगा, उसके बारे में कहाँ से लिया गया, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया। दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात नीति निर्देशक तत्व या DPSP, इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो कहाँ से लिया गया, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। चलते अगले पे, अगला देश देखिए, यहीं पर एक फ्रांस, ये जर्मनी है, जर्मनी से भी एक चीज़ ली गई है, और दूसरा है फ्रांस। ये मैप में ये यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस आपको याद रखना है, फ्रांस से तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तीनों शब्द याद रखना है आपको, स्वतंत्रता, दूसरा याद रखना है संप्रभुता, और तीसरा याद रखना है बंधुता। ये तीनों चीज प्रस्तावना में कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ी गई, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से जोड़ी गई है, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, मैप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया गया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इन तीनों चीज़ों को लिया गया है, स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुता, इन तीनों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और लास्ट है यहाँ पे जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बताया गया है कि जब आपातकाल लगेगा तो जो राष्ट्रपति है उसके मौलिक, राष्ट्रपति किस प्रकार से मौलिक अधिकार खत्म कर सकता है या उनको स्थगित कर सकता है, मतलब जब भी हमारे देश में कभी भी आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। और ये वाली प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है ये जर्मनी से ली गई है। देखिए टोटल 10 देशों के बारे में मैंने बताया आपको, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए पहला है कनाडा, ये मैप में आप देख रहे हो कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया, तो आपको याद रखना है पहली बात तो संघीय व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवशिष्ट शक्ति, जो रेसिड्यूरी पावर्स होती है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से। और तीसरा राज्यों में राज्यपाल का पद जो है वो कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। दूसरा है USA या अमेरिका, अमेरिका से कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। तीसरा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। चौथा आपको याद रखना है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। साथ में सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो भी कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। उसके बाद है साउथ अफ्रीका से। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में जो निर्वाचन होगा वो, और सेकंड संविधान संशोधन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो भी कहाँ से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से। और दूसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया से। तीन चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, दूसरा संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग, तीसरा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ये कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्तावना की भाषा, जब भी बात करेंगे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जापान, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जापान है, जापान से। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, जापान से। उसके बाद है रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य, पहली चीज़ आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो जापान से। मौलिक कर्तव्य
कहाँ से लिए गए हैं, जापान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए है तो आपको याद रखना है जापान से। उसके अलावा यहाँ पे ब्रिटेन, ब्रिटेन से तीन चीज़ याद रखना है, संसदीय प्रणाली, कैबिनेट जो सिस्टम है वो, और साथ में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस से आपको याद रखना है संप्रभुता, बंधुता और जो समानता, हमारी प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए वो कहाँ से जोड़े गए, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे एक शब्द और याद रखना, न्याय जो जोड़ा गया वो याद रखना है रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, न्याय जो शब्द जोड़ा गया वो रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी संप्रभुता, बंधुता और समानता जो शब्द है वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके बाद याद रखना जर्मनी, जर्मनी में बोला गया है कि जब भी आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो हमारे मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। लास्ट है आयरलैंड, आयरलैंड से आपको याद रखना है आपातकाल, सॉरी नीति निर्देशकता, DPSP कहाँ से लिए गए हैं तो आपको याद रखना है आयरलैंड से DPSP लिया गया है। और दूसरा आपको याद रखना है जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी कहाँ से लिए गए, तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो टोटल समराइज करके मैंने आपको अभी एक बार और बता दिया। आपको वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता, दो बार देखना है और कोशिश करना है कि पूरा वीडियो खत्म होते तक आपको ये सब चीज़ें याद हो जाए। और इस प्रकार से याद करूँगा तो ईजी जाएगा और आपको ईजिली याद हो जाएंगे, और मैप के थ्रू कभी भी याद करूँगा आप भूलोंगे नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप ऐसे PDF के थ्रू अगर लिखा हुआ पढ़ोगे तो वो आसान नहीं होगा याद करना। अगर मैप से याद करोगे, मैप से एक बार दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसान बनेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।